राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। राजस्थान की प्रमुख पार्टी भाजपा ने 41 प्रत्याशियों के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन कांग्रेस में बगावत के सुर कई विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहे जाने वाला भरतपुर में भी कांग्रेस के हाल ठीक नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव गिरीश चौधरी का कांग्रेस को छोड़कर बसपा में जाना है, जिसका नतीजा कांग्रेस को यहां से भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन से डॉक्टर सुभाष गर्ग ने चुनाव जीता था, लेकिन 5 वर्षों तक किसी भी कांग्रेसी को तवज्जो न देना ही इसी का मुख्य कारण रहा। पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश चौधरी ने बसपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है और वोटों के समीकरण के हिसाब से इसी जाति का प्रत्याशी को जीतने का निर्णायक भूमिका रहती है। अचानक गिरीश चौधरी का बसपा में चले जाने से भरतपुर की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। खैर, आने वाले विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ पे तो भाई अब तुम्हारे, जब मैं सोच रहा था मेरे यार, हमारे तो पिछली बार भी टिकट कट गई कांग्रेस ने हमारे को, वो दो बार हम चुनाव में अच्छी वोटिंग लेकर के आए, हमारी टिकट काट दी। कोई रास्ता अब तो भैया संगठन में कोई रास्ता नहीं बच रहा है। अब तो यहाँ पे पैक्ट में दे रही है कांग्रेस, संभागी खत्म कर दिया, तो गिरिराज महाराज हम कैसे इसकी जनता की सेवा करें, कैसे पब्लिक की सेवा करें, क्योंकि छात्र राजनीति से अभी ये कुर्ता पजामा उतारे तो जाते नहीं है। तो ये हमारा कांग्रेस में दम घुट रहा था आपको, तो हमारा ये लगा भाई अब क्या किया जाए। तो गिरिराज महाराज को रात में सपना आया कि आप भैया ऐसा है कि कोई ना कोई रास्ता निकालो, और भगवान कसम खा रहा हूँ मैं, भगवान सिंह बाबा का मेरे पास में फोन आया 2 महीने पहले कि यार तुम लोग क्या करना चाह रहे हो भाई, तुम्हारी पार्टी तो बैंक में जा रही है, तुम लोग इस रास्ते को अपनाओ। तो इनका फोन भी आया, ये भी गिरिराज महाराज की मेहरबानी से आया और मुझे ये अवसर मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गिरिराज महाराज का जो लक्ष्य उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और इसीलिए बहन जी उनको बाबा साहब को दूत बनाकर भेजा है, तो मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा ढंग से कर सकूंगा, ये कहना। चुनाव नहीं लड़ती है, नई नई नौजवानों का भविष्य अंधकार में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनको संभालने वाला कोई आदमी नहीं रहा, उनकी रक्षा कौन करे, उनके हितों की रक्षा कौन करे, उनके राजनीतिक हितों को कौन साधे, उनको समाज में जो सेवा करने का अवसर है राजनीतिक माध्यम से प्रशासनिक माध्यम से कैसे मिले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी साथियों के कहने पर हमने इस बात का फैसला किया। हमारे भगवान सिंह जी बाबा जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमको इस बात का परमिशन दी, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के जो बहन मायावती जी का सपना है, और सभी सवर्ण कास्ट के जो गरीब तबके के साथ ही हैं, उनको भी हम साथ, जो कमजोर है उनको भी साथ लेते हुए, कमजोर तबकों के को साथ लेते हुए, ओबीसी के साथियों को साथ लेते हुए, मैं समझता हूँ भरतपुर में एक अच्छा वातावरण, जो हमारे और नेताओं ने काम किए हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और आगे भी चाहे विजय बंसल जी हो, चाहे आरपी शर्मा जी हो, चाहे और भी जो लोग शिव सिंह जी हो, जो भी नेता जिन्होंने काम किया, चाहे घर साहब कोई भी हो, अच्छे काम जिन नेताओं ने किए हम सबका सम्मान करते हैं, और हम लोगों की इच्छा होगी अगर हमें अवसर मिलता है, और अगर भगवान सिंह बाबा साहब और अध्यक्ष जी हमें, जिलाध्यक्ष जी और सभी साथी अवसर देते हैं कि भरतपुर से चुनाव लड़ने का मौका देते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति है उसका हम अपना जो हमारा राजनीतिक प्रभाव है, हमारी कार्य करने की शैली है, भरतपुर को आगे कैसे लेकर के जाना है, कैसे कमजोर तबके को साथ आप बढ़ाना है। भरतपुर में मैं समझता हूँ कि हमारी जिला अलग बन गया, ठीक कुमेर जिला अलग हो गया, भरतपुर में अभी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, संभाग का हेडक्वार्टर है या यूनिवर्सिटी भी नहीं है भरतपुर में।